आज सुहाग का पर्व करवा चौथ है। ये त्योहार पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का प्रतीक भी है। इस दिन सुहागन महिलाएं सौभाग्य की कामना के साथ सोलह श्रृंगार कर भगवान शंकर, माता पार्वती के स्वरूप चौथ माता और चंद्रमा की पूजा करती हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे बता रहे हैं इस बार सुहागिन महिलाओं के लिए कितना खास है करवा चौथ का पर्व। करवा चौथ की आप सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को अनंत एवं शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। यह व्रत महाराष्ट्र प्रदेश से प्रचलित होते हुए अब हमारे पूर्वोत्तर भारत में भी पूर्ण रूप से प्रचलित हो चुका है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इसका व्रत निष्ठा पूर्वक करती हैं, उनके पति सदैव दीर्घायु बने रहते हैं। तो यह व्रत एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक मन से रहते हुए और इस व्रत को करना चाहिए। जैसे कि इस वर्ष गुरुवार के दिन यह व्रत पड़ा है, तो शास्त्रोक्त विधान से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो संकष्टी गणेश चतुर्थी पड़ती है, उसी दिन यह करवा चौथ का व्रत रहा जाता है। इस वर्ष गुरुवार का दिन कृतिका नक्षत्र पश्चात रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है रात्रि में, अर्धरात्रि के बाद, और सिद्ध नामक योग मिल रहा है। पूरे दिन व्रत रहते हुए सायंकाल रात्रि में, रात्रि के प्रथम पहर में भगवान शिव, कार्तिक, खडानंद, चंद्रमा की मूर्ति बना करके पीले मिट्टी से उनका पंचोपचार या कोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात गाय के दूध से और पीतल के लोटे से उनको अर्घ दे देना चाहिए। अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों जो है जल ग्रहण करके यह व्रत तोड़ना चाहिए, जिससे पति और पति को सादर झुक करके उन्हें प्रणाम करें। पति परमेश्वर होते हैं, पति में ही सब कुछ माने और पति ही सबसे बड़े देवता होते हैं। किसी देवता की पूजा करें या न करें, पति को ही अपना सब कुछ माने तो वह स्त्री सदैव अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है और सदा उनका सुहाग बना रहता है। तो इस वर्ष गुरुवार के दिन उनका ध्यान करते हुए सभी देवताओं का, कार्तिक का, खडानन का और चंद्रमा का निष्ठा पूर्वक पूजन करें। ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि द्रौपदी भी इस व्रत को करके अपने भाई को, कृष्ण को, दीर्घायु प्रदान की थी। तो खडानन का ध्यान करना चाहिए। ओम खडमुखाय विद्महे मयूर वाहनाय धीमहि तन्नो कार्तिक प्रचोदयात्। यह विशेष रूप से कार्तिक का भी पूजन करना चाहिए। ओम चं चंद्रमसे नमः मंत्र का कुछ जप करना चाहिए। जप करने के पश्चात उनकी आरती करनी चाहिए और आरती के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए और अपने पति को भी अपने परिवार में वितरित करना चाहिए। करवा चौथ के दिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सभी स्त्रियां या किसी भी व्रत में, मैं सभी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आजकल के जो भागदौड़ की जिंदगी है, आधुनिक जो परिवेश में है, इसमें बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपने कर्म से भटक रही हैं कि उस दिन तो श्रृंगार करती हैं लेकिन नित्य जो है, अक्सर ऐसा बहुत महिलाओं को देखा जा रहा है कि अपने सुहाग की ही रक्षा के लिए सिंदूर का भी प्रयोग ठीक से नहीं करती नित्य। तो ध्यान दें, अगर व्रत एक दिन कर रही हैं तो निष्ठापूर्वक रोज उसका पालन भी करना चाहिए। तो सिंदूर का भी प्रयोग, मैं निवेदन करूंगा सभी से कि सिंदूर उनका सुहाग है। सिंदूर बहुत ऐसी स्त्रियों को देखा जा रहा है कि पूजन के दिन जब कोई व्रत ऐसा आता है तो पूरा सुसज्जित होती हैं, श्रृंगार करती हैं और रोजमर्रा का जो दिन है उसमें वो कभी सिंदूर नहीं लगाएंगी, कभी बिंदी नहीं लगाएंगी, अपने सुहाग की रक्षा ही नहीं करती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनके पति को कष्ट मिलता है, आपसी सामंजस्य खराब होने लगते हैं। तो सिंदूर का प्रयोग नित्य करना चाहिए। जब भी स्नान करें सुबह तो सिंदूर का जरूर प्रयोग करें और पीला सिंदूर ही लगाएं, वही सिंदूर है। आजकल लोग रंग लगाती हैं, रंग नहीं लगाना चाहिए, वो सिंदूर नहीं है। तो हमेशा पीले सिंदूर का ध्यान दें और पीला सिंदूर का ही पालन करें, वही सिंदूर लगाएं तो उनका अखंड सौभाग्य आजीवन बना रहता है। यह मैं अपने तरफ से आप सभी को यह सुझाव दे रहा हूं। आप सभी लोग इसका पालन करें तो आप सदैव अखंड सौभाग्यवती बने।